में मैसेज करोगे, ठीक है? आप टेक्स्ट में मैसेज करोगे, ऐसे आप बोलोगे तो मुझ तक आवाज नहीं आएगी, हो सकता है कि आप तक नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो ये मैंने जो बोर्ड पे वर्कआउट किया ये सबको दिख रहा है? ऑल आर वॉचिंग? ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? सबको मेरी आवाज जा रही है? आप लोग को मेरी आवाज जा रही है? टेक्स्ट करो, यस या नो लिखो, आप लोग आंसर्स करो, तब तो समझ में आएगा आपके आवाज जा रही है नहीं जा रही है। आप तक मेरी आवाज जा रही है? All are getting my voice? सबको मेरी आवाज जा रही है? यस नो? यस सर। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने इधर देखा है, अभी स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब लगभग हम लोग की मेजोरिटी बहुत ही ज्यादा थी, बट इधर हम लोग देख रहे हैं कि मेजोरिटी स्टूडेंटों की थोड़ी सी डाउन हुई है, नहीं है स्टूडेंट अभी 4 बज गया, अभी 13 लोग ही अभी तक ज्वाइंट है, 4 o'clock हो चुका, लेट्स गो। तो जैसा कि देखो यहाँ पे, अब सपोज करो कि सबको मेरी आवाज जा रही है, आप लोग टेक्स्ट में लिखिएगा यस या नो, ठीक है? यहाँ पे यस या नो आप आंसर करके मेरे को बताओगे ना, तो मेरे को समझ में आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। आप एग्जाम के प्रिपरेशन के तरीके नहीं पढ़ रहे हो, हम लोग वर्कआउट करेंगे जो भी कैचेस कि आप मतलब उस लेवल का प्रिपरेशन करें जो एनटीएससी मतलब इस लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको हम लोग क्रैक करें। तो कंडीशंस क्या है कि अभी आप देख रहे हो कि नो डाउट कि नेक्स्ट वीक सॉरी लास्ट वीक हम लोगों ने जो क्लास दिया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे वो तो बेस्ट थे, नो डाउट। और कंडीशंस क्या यहाँ पे है कि सपोज करिए अगर आप कंटिन्यू क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो, कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, तो कहने का मतलब इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर योर रिजल्ट्स टू। तो आप इस तरीके से मत पढ़ो कि आपको बस केवल कैसे भी 9th या 10th का एग्जाम निकालना है, बिकॉज आगे भी फ्यूचर, आगे भी आपका करियर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा आगे जाना है आपको। तो वहां पे जाने का मतलब है कि उस करियर तक पहुंचने का टारगेट क्या है कि वहां पे जाने का मतलब है कि आपका हर एक बेसिक पॉइंट जो है वो टू मच स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल वर्क को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? डिबेट करेंगे, एक लीडर की तरह वर्कआउट करेंगे। अब ये थोड़ी ना कि बस रट्टा मार लिया, 8 तक जो आप लोग करते थे, 7-8 तक क्या करते थे आप लोग, किसी भी टॉपिक को रट्टा मारा और रट्टा मार के एग्जाम में लिख दिया, आपका रिजल्ट आ गया, काम खत्म, खुश हो, हैप्पी हो, और फिर उसको अगले साल आप भूल गए, दिमाग से आपने उसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया उसको, उसको दिमाग से आपने निकाल के थ्रो आउट कर दिया गार्बेज की तरह। लेकिन आप 9, 10, 11, 12 ये जो 4 क्लासेस हैं, इस 4 क्लास में जो भी पॉइंट आप स्टडी करोगे वो सब आपके दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट अगर आपके दिमाग के अंदर होंगे सेट, तब बढ़ेगा आपके रिपोर्ट कार्ड में वेट, समझ में आ रहा है? और लोगों को होगा आपके ऊपर फेट। तो कहने का पॉइंट यहाँ पे है कि 9, 10, 11, 12 ये जो क्लासेस है इसको आप मजाक में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हो प्लस हम लोग टाइम दे रहे हैं, तो दोनों अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आउटपुट जो है वो प्लस पॉइंट प्रॉफिटेबल निकलना चाहिए। तो ये कब निकलेगा, जब हम लोग कंटिन्यू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तब निकलेगा। तो कंटिन्यू आप लोग ज्वाइन करो, टाइम पे ज्वाइन करें, नहीं है तो चलो स्टूडेंट्स क्या हम लोग अपने टारगेट की तरफ आगे चले? आप लोग केवल यस तो बोलते रहोगे ना, या फिर यहाँ पे मैसेज करते रहोगे तो एक कंडीशन रहेगा कि चलो भाई यहाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो चलो yes, मैं sir. आपको ले चलो। ओके ओके यस सर।
वेरी गुड एक्सीलेंट। तो इस तरीके से आपका रिस्पॉन्ड आना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा पॉइंट है ये व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है, द वर्ड्स व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड्स ऑल आर कैपेबल टू लोकेट। यस सर। सब क्लियर है? एवरीवन इज कैपेबल टू लुक दिस वर्ड व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। यस सर। यस सर। ओके लेट्स गो। तो स्टूडेंट हम लोग पहले लास्ट ईयर मतलब इन आवर प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस चीज के बारे में, फ्रेंच इवोल्यूशन के बारे में। मुझे लगता है कि इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए, फॉरवर्ड करें हम लोग, बैक हम लोग ना जाए, या फिर अगले नेक्स्ट वीक से हम लोग हिस्ट्रीविक्स की तरफ भी एंट्री करेंगे बिकॉज वो भी सब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था क्या चीज की, किस तरीके से लुई सिक्सटीन जो था, जो कि बॉर्मन डायनेस्टी का था, कंजर्वेटिव सोच का बंदा था, वो 1774 में जो था वो कैसे फ्रांस का राजा बनता है। इसके बाद मैंने बोला था कि इन द अर्ली एज मतलब बहुत कम उम्र में ही लुई सिक्सटीन जो है उसकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाता है, मतलब लगभग वो 20 ईयर्स ओल्ड है तभी उसका मैरिज हो जाता है, 20 ईयर्स ओल्ड है तभी उसकी मैरिज होती है। किससे? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। आप लोग देखो जो भी क्वेश्चन पूछा हो, जो डाउट पूछा होगा, लैगिंग हो रहा है, ठीक है। चलो ओके, चलो ऑल आर गेटिंग माय वॉइस, आप लोग रिटेन बोर्ड टेक्स्ट में आंसर करोगे, यस या नो। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया क्या चीज की, सपोज करो कि लुई सिक्सटीन जो था वो 1774 में किंग बनता है कहां का, फ्रांस का, ठीक है। और इन द अर्ली एज ही गॉट मैरिड, बहुत कम उम्र में, लगभग इन द एज ऑफ 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो मैरी एंटोनेट जो है, ठीक है, उनसे शादी हो जाती है। अब कहने का मतलब मैंने ये भी आपको बताया था क्या चीज की, लुई सिक्सटीन जो था जब वो किंग बनते हैं कहां के, फ्रांस के किंग बनते, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दैट ट्रेजरी मतलब कि जो फ्रांस का खजाना है वो पूरी तरीके से एम्प्टी है, खाली हो चुका है। मैंने आपको बताया था इसके पीछे का रीजन क्या था, तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्या बताया था बोलो तो, एनीवन? तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था कि फ्रांस फॉट अ लॉन्ग वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन फॉर वॉट, टू मेक सम कॉलोनीज ऑफ क्या चीज, अमेरिका इंडिपेंडेंट फ्री, अमेरिका के कुछ कॉलोनी को आजाद कराने के लिए फ्रांस ने एक लंबा स्ट्रगल लड़ा था, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटेन के अगेंस्ट में। तो जब ब्रिटेन के अगेंस्ट में उसने लंबा स्ट्रगल लड़ा है तो क्लियर है इसने लोन तक लिया है, टैक्स भी लिया है, मतलब सॉरी लोन लेकर तब वो वार लड़ा था, मतलब ऐसा कभी देखा आपने कि कर्ज लेके और तब पार्टी इंजॉय करा जाए, तब पार्टी बनाया जाए। तो यहाँ पे इन लोगों के साथ एक घटना घटी थी, यही एक बहुत बड़ा मिस्टेक था कि लोगों ने लोन ले लेके तब इन लोगों ने क्या किया था, वार लड़ा था अमेरिका को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। अब चलो ये वीडियो कुछ क्लियर नहीं है, कुछ और पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, आप सबको मेरी आवाज जा रही है, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस, किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस करो तो आपको रिटन में यहाँ पे देंगे, टेक्स्ट में देंगे, ठीक है, जिससे मेरे को समझ में आएगा कि आपका पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था क्या इसकी, लुई सिक्सटीन की बात करोगे तो इसने क्या किया था, मैंने अपने सोसाइटी को, देखो यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, फ्रेंच सोसाइटी को तीन भागों में इसने डिवाइड करा था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ये बताया था मैंने, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेट जो थे उसमें आपके नोबल, सेकंड में क्लेर्जी, थर्ड में आपके बिजनेस क्लास पीपल, मतलब फर्स्ट सेकंड में नोबल एंड क्लेर्जी मौजूद थे, मतलब वो एरिस्टोक्रेट थे। अब एरिस्टोक्रेट भी मैंने बताया था आपको, एरिस्टोक्रेट वर दोस्त, एरिस्टोक्रेट्स, आवाज सबको जा रही है मेरी, नो सर, आवाज, एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस, नो सर, नो सर, नो सर, आवाज जा रही है मेरी, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस, अभी भी आवाज नहीं जा रही है, सर साउंड लैगिंग हो रहा है थोड़ा सा, अभी भी साउंड लैगिंग हो रहा है, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर,
getting my voice? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. बोलो, बोलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, वीडियो से अपने क्लास लेते हैं आज, मतलब थोड़ा सा इन लोगों का ग्रामर पोर्शन, लेटर राइटिंग वगैरह कुछ करवा देते हैं, ओके स्टूडेंट्स, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, now it's clear. आवाज क्लियर है कि नहीं, चैट में सब कोई बताए? यस सर, चैट में आप लोग बताइए, हेलो, चैट यूज करो, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? यस नो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, ये हिस्ट्री के टॉपिक को आगे ले जाएं या फिर कुछ लेटर राइटिंग की बात करोगे? सर लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग देख लिया जाए। ओके ओके, लेट्स गो, देखो ध्यान फोकस करना। देखो आज मैं तुमको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान देना, एक लेटर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो आता है कि हम लोग को लेटर्स, जो सपोज करो कि जो न्यूज़पेपर एडिटर्स जो लोग होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से उनके पास लेटर लिखते हैं, ठीक है? तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेटर टू एडिटर। देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, या फिर एडिटर्स जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वहां पे हम लोग कैसे न्यूज़पेपर में किस तरीके से अपने मैटर्स को क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवाएंगे, पब्लिश करवाएंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबको ये लेटर दिख रहा है जो बोर्ड पे मैंने लिखा है? नो सर। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा? देखो यहाँ पे। नो सर। नो सर, नहीं दिख रहा है। नहीं है। लेटर ये दिख रहा है? नो सर। ये लेटर नहीं दिख रहा, ये देखो तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, एडिटर? यस सर। यस सर, सर धुंधला दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, ओके हम लोग लेटर टू एडिटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एडिटर के पास लेटर कैसे लिखोगे आप, एडिटर के पास लेटर कैसे लिखोगे, ठीक है? तो सपोज करो कि ये अगर मेरा प्लेन पेज है, ये मेरा पेज है, तो सपोज सबसे पहले हम लोग को देखो क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको करना होगा एस। एस का मतलब होता है तुम्हारा सेंडर, स्टार्टिंग में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस रहेगा तुम्हारा, ठीक है? सेंडर का एड्रेस आपने कर दिया। सेकंड क्या करोगे, यहाँ पे गैप दे दिया आपने, मतलब आपका जो पेज, जो आपने पेज रखा है उस पेज में एक आपका गैप हो गया, सेंडर के एड्रेस के बाद एक गैप हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट देना होगा, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, डन, ये डेट हो गया आपका। डेट के बाद फिर एक लाइन आपने गैप किया, ध्यान देना, ये लाइन फिर एक आपने छोड़ दिया। पहला क्या सेंडर, दूसरा क्या डेट, अब तीसरा क्या आपने रिसीवर, मतलब जिसको ये लेटर आप भेज रहे हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रिसीवर की बात कर लोगे आप। फिर आपने एक लाइन छोड़ दिया एच डी आर, अब यहाँ पे देखो क्या करो, एक लाइन फिर छोड़ के यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखा, ये सब्जेक्ट लिख दिया, वन लाइन गैप करके आपने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है? फिर एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ोगे और तब यहाँ पे लिखोगे आप क्या चीज, सर, सर लिखा आपने और ये कॉमा दिया, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर के बाद आपका टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप? तो यहाँ पे करोगे, पहले यहाँ देखो मैंने क्या बोला, एडिटर के पास जो लेटर लिखोगे, सेंडर, फिर डेट, फिर रिसीवर, फिर सब्जेक्ट, ऑफिसर, और उसके नीचे तुम्हारा कंटेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, कंटेंट शुरू। अब कॉन्टेंट